हेलो डियर स्टूडेंट, हम प्लांट ब्रीडिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे पहले हमने जो प्लांट ब्रीडिंग उसके डेफिनेशन वगैरह के पार्ट में पढ़ा। उसके बाद में जो चैलेंजेस है बिफोर द प्लांट ब्रीडर क्या है, ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग्स के क्या हैं, देन इसके बाद में एक्टिविटी कौन कौन सी होती है प्लांट ब्रीडिंग्स में उसके बारे में हमने पढ़ा। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग जो हिस्ट्री है, क्योंकि उसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर प्लांट ब्रीडिंग की हम स्टडी करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग की जो हिस्ट्री है उसको हम मेजर चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्री मेंडेलियन एरा, जिसमें बिफोर 90s और उसके बाद में मेंडेलियन एरा 90 से 1920 तक का, पोस्ट मेंडेलियन एरा जो 1921 से 1950 तक जाता है, और मॉडर्न एरा आफ्टर 1950 से अभी तक का हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी डिस्कवरीज हैं जो प्लांट ब्रीडिंग्स में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, उसको हम थोड़ा सा समराइज करके देख लेते हैं। इसमें जो प्री मेंडेलियन ईरा है उसमें अगर हम प्लांट्स की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले करीब 900 BC में फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन, मतलब हम ये कहते हैं जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, जहाँ से हम रिकॉर्ड्स मिलते हैं, तभी से ये माना जाता है कि जो ह्यूमंस है वो चूँकि शार्प माइंडेड एनिमल्स हैं, और इसने जो वाइल्ड पौधे थे उनको कलेक्ट करना और उनको डोमेस्टिकेशन करना करीब 9000 BC से इसके रिकॉर्ड मिलते हैं, जिससे टाइग्रिस रिवर्स वगैरह में इनके मिलते हैं। देन उसके बाद में कुछ 5000 BC में एग्रीकल्चर कम्युनिटी एग्जिस्ट इन मेसोपोटामिया और इजिप्शियंस में भी इसके मिलते हैं। देन इसके बाद 3000 BC में डोमेस्टिकेशन कम्प्लीट फॉर ऑल इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन द ओल्ड वर्ल्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि 3000 साल जो BC है ना बिफोर ईसा, तो 3000 BC में ज़्यादातर जो प्लांट्स की जो फूड क्रॉप है उनको एक तरह से डोमेस्टिकेशन किया जा चुका था। इसके अलावा जो 1000 BC के करीब जो डोमेस्टिकेशन कम्प्लीट फॉर इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन द न्यू वर्ल्ड, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 3000 साल से हम जो फूड क्रॉप्स हैं उनको कंटिन्यूस उगा रहे हैं, ये तब से ये चल रहा है। देन उसके बाद में 700 BC में जो एसरियंस और बेबिलियंस हैं, उन्होंने हैंड पोलिनेशन ऑफ डेट पाम में इनके एविडेंस हमें मिलते हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसमें करीब 1694 में कैमेरियस जो जर्मनी है, उन्होंने सबसे पहले जो प्लांट्स है उसमें सेक्सुअलिटी को सबसे पहले उनको खोज किया कि सभी प्लांट्स में जैसे एनिमल्स में होता है उसी तरह से मेल और फीमेल प्लांट पार्ट्स भी होते हैं। देन उसके बाद में फेयरचाइल्ड प्रोड्यूस द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्रॉपरली नोन एज द फेयरचाइल्ड म्यूल बाय क्रॉसिंग कॉर्नेशन विथ स्वीट विलियम वेराइटीज ऑफ द डायंथस। डायंथस का जो पौधा है उसमें सबसे पहले उन्होंने हाइब्रिड वेराइटी डेवलप की 1717 में। देन उसके बाद 1753 में लीनियस पेरी वेल नोन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पेसिस प्लांटेरियम में बायोनोमिकल नेचर में उसमें डिफरेंट जो प्लांट हैं उनको लिस्ट करना चालू किया। और इसके बाद में कॉल ट्रूटर है, उन्होंने हाइब्रिड ऑप्शन रिसीव्ड ट्रेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स वर इंटरमीडिएट इन मोस्ट ट्रेड्स, तो उन्होंने कुछ ये कॉल ट्रूटर ने किया कि दो अगर हाइब्रिड वेराइटी है वो जो दो पेरेंट्स प्लांट्स होते हैं उनके बीच का हाइब्रिड यहाँ पे मिलता है। देन इसके बाद में नाइट ने प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ हाइब्रिड की किया। देन इसके बाद में 1801 में लेमार्क ने एवोल्यूशन थ्योरी दी। स्रेप ने यूटिलाइजेशन प्योर लाइन सेलेक्शन टू डेवलप न्यू वाटर कल्टीवर्स, इन्होंने सबसे पहले वेराइटी डेवलपमेंट का डेवलप की, और उन्होंने एक न्यू वीट कल्टीवर भी उन्होंने डेवलप की। देन उसके बाद में ब्राउन है, स्लिडेन एंड स्वान है जिन्होंने सेल थ्योरी दी। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दी, दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आदमी का माइंड का जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ। डार्विन की जो थ्योरी दी गई उसके बाद में तो बहुत सारी जो थ्योरियाँ हैं वो इससे अफेक्ट हुई, और ज़्यादातर थ्योरियाँ हैं वो अफेक्ट हुई, और उसमें सभी जो प्लांट्स वेराइटीज जो डेवलप हुई है, स्पीसीज डेवलप हुई है, उनमें हम डिफरेंट टाइप के जो उनका पास्ट रहा उसको हम खोजने की कोशिश करते रहे, तो उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हुए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू
जो ओरिजिन कैसे होता है प्लांट के स्पीसीज का, तो वहाँ से ही हमने उसको हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई एक तरह से हम कह सकते हैं। और नई जो प्लांट स्पीसीज है डेवलपमेंट है उनमें बहुत तेज़ी आई, लेकिन उसी के साथ में उसमें जो जो ओरिजिन बड़ा है वो उसमें सब में इनपुट होने लगा। देन उसके बाद मेंडल है, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो मटर के पौधे उससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कुछ नियम दिए जिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं स्पेशली इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके बाद में स्ट्रॉसबर्गर, नवाजिन, हॉपकिंस, इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है इन्होंने जो एग्स हैं उनके पर। उसके बाद में मेंडलिन इरा है जो 1900 में एक्चुअली जो मेंडल्स के जो लॉज जो दिए थे उनको रीडिस्कवर किया गया कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवरीस और बेन सेडमार्क ने उनको रीडिस्कवरी की गई। और उसके बाद में बेल एस्टेब्लिश किया कि जो मेंडल्स ने जो नियम दिए थे वो बिल्कुल करेक्ट थे, ठीक है। देन उसके बाद में डिवरीस ने सबसे पहले जो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी वाइल वर्किंग ऑन द ओनोथेरा लेमार किया ना। इसके बाद में जॉनसन ने कंसेप्ट ऑफ जीन्स दी और थ्योरी ऑफ सिलेक्शन भी दिया उसने 1903 में। देन उसके बाद में बैट्सन ने जो टर्म जेनेटिक्स का उपयोग किया, और मल्टीपल यूल ने मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दी जिसमें जो नॉन मेंडेलियन एक्सटेंशन के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह से निशल एन ने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी जिसमें ग्रीन कलर ऑफ व्हीट का इनका बहुत ही वेल नोन एक्सपेरिमेंट था, डिफरेंट वेराइटीज उन्होंने डेवलप की। 1908 और 9 में हार्डी और वीनबर्ग जो इन्होंने एलजेब्रिक इक्वेशन उन्होंने हार्डी वीनबर्ग लॉ दिया जिसको आप जेनेटिक्स में आप हम पढ़ते हैं। इसके बाद में 1914 में शल ने हेटरोसिस कंसेप्ट दिया जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन और हेटरोसिस दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। देन उसके बाद में जो पोस्ट मेंडेलियन इरा है उसमें मुलर ने बहुत सारे एक्सरे एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे आर्टिफिशियल म्यूटेशन किया एनिमल्स में, और इसी जब एनिमल्स में किया तो इसी के साथ बहुत सारे प्लांट्स में भी ये काम होने लगे। तो बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ का डेवलपमेंट यहीं से एक्चुअली वेराइटीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा गति पकड़ने लगा, मतलब आर्टिफिशियली मैन मेड जो वेराइटीज़ है वह डेवलपमेंट यहीं से मुलर से स्टार्ट होता है। देन उसके बाद में स्टैडलर ने कोई एक्सरे का बाल्डे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। मैकक्लिंटॉक को आप जानते हैं जंपिंग जीन्स जिन्होंने दिया थे थ्योरी है, और उन्होंने फर्स्ट रिपोर्टेड नंबर 10 क्रोमोजोम्स इन मेज, ठीक है। उसके बाद में स्टर्न क्रेगोटॉन मैकक्लिंटॉक प्रोवाइड द साइटोलॉजिक प्रूफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बाद में क्या, तो जितनी भी साइटोलॉजिकल जो डिस्कवरीज हैं सबका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है इसमें प्लांट ब्रीडिंग में, क्योंकि उससे बहुत सारे जो करेक्टर है उनको हम निर्धारित करने में सक्षम हो पाए। देन उसके बाद महल है मैकक्लिंटॉक है जिसमें एसीडीसी सिस्टम दिया जो पहले मैकक्लिंटॉक ने दिया था ये जंपिंग जीन वाला। देन उसके बाद मॉडर्न इरा में जॉनसन है उसमें मल्टीपल मल्टी जीन्स ओट्स में दिया है एनी बोरबर्ग ने। फर्स्ट आउटलाइन द मेथड ऑफ डेवलपिंग मल्टी लाइन्स इन द वीट, इनसे बहुत सारी वीट वेराइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। बेंजर ने बेस्ट ऑन इज वर्क ऑन आर सेकेंड लोकस ऑफ टी फोर बैक्टीरिया फोजी गैप द सब डिविजन ऑफ जीन्स सिस्ट्रॉन्स रिकॉन और म्यूटेंस, तो ये एक्चुअली जीन्स के डिफरेंट जो मेथड हैं जीन्स के जो डिफरेंट वर्किंग हैं उसके बारे में हमें 1960 के आसपास बहुत ज़्यादा क्लियरली हमें नॉलेज हो गई थी और किस तरह से जीन्स का मैनिपुलेशन किया जा सके। इसके बाद में डिफरेंट वेराइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद में जैसे 1964 में यानी बोरलॉग को हम बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन है, और उन्होंने ड्वार्फ वेराइटी जो वीट डेवलप जो बहुत ज़्यादा हाई यील्ड देती थी उसका डेवलपमेंट किया, उससे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। देन उसके बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए उसमें से 1983 में फर्स्ट जेनेटिकली जो प्लांट्स हैं टोबैको प्लांट हैं वो डेवलप हुआ 1983 में। 87 में
फर्स्ट जो वीटी कॉटन जिसे कहते हैं मोनसेटो कंपनी ने सबसे पहले रिलीज़ किया मार्केट में इन 1987 में। देन उसके बाद में 1994 में फ्लेवर सेवरल टोमेटो वाज इंट्रोड्यूस बाय द कालजिन कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया। इट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रोन जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप। इसके अलावा और भी हैं, बीटी ब्रिंजल हैं, बीटी कॉटन है, इसके बाद में बहुत सारी वेराइटीज़ आई जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की थी और उनमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो हमें चाहिए होते हैं एक्चुअली, और वो डिफरेंट टाइप की एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करने में सक्षम थे। तो जो जेनेटिक जो प्लांट्स हैं, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड जो प्लांट्स हैं जिसे GMOs के नाम से जानते हैं, अब ये बहुत ही कॉमन हो गए और ये मार्केट में हमें इनके डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें मिलते हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जी होती है जो हमें थ्रूआउट ईयर मिलती है, उनका शेल मोटा होता है ताकि काफ़ी लंबे समय तक वो ख़राब नहीं होती है। कई बार उनके जो कंटेंट्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर प्रकार के प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। कई बार जैसे इन केस ऑफ राइस में हम जानते हैं जहाँ भी राइस खाते हैं वहाँ पर विटामिन ए की कमी पाई जाती है। तो ऐसा जीन्स उसमें जिसे हम गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं, तो गोल्डन राइस में डेवलप कर दिया गया, वो डेवलप गोल्डन राइस में क्या कर दिया, उस राइस में विटामिन ए का जीन इंसर्ट कर दिया ताकि उस राइस से हमें विटामिन ए मिल सके। और ये नाउ इट्स कॉमनली अवेलेबल। इंडिया में अगर प्लांट ब्रीडिंग्स की बात करते हैं तो इसमें 1871 में इंडिया में डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर क्रिएट किया गया। 1905 में द इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा में बिहार में था उसको डेवलप किया गया। बाद में ये इस्टाब्लिश करके इंपीरियल जो है ये कहाँ पर इंस्टाब्लिश किया, पूसा बिहार से इसको नई दिल्ली में लाया गया। और नाम इसका अभी भी वही है, ICAR के नाम से जाते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट्स ने लिए जिसमें कॉटन ऑयल शीट्स और मिलेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। देन उसके बाद में 1961 में फर्स्ट मेज हाइब्रिड रिलीज कर दिए गए, उसमें गंगावन 010, डेक्कन और रणजीत ये कुछ थे। इसके बाद में 1964 में फर्स्ट स्वर्गम हाइब्रिड CH1 रिलीज, फर्स्ट बाजरा रिलीज HV1 के नाम से रिलीज किया गया। 91 में फर्स्ट फ्यूजन से रिलीज किया गया। और ये कुछ इंडियन नेम हैं जिन्होंने प्लांट ब्रीडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट काम किया, उसमें TB वेंकटरमन हैं, BV पॉल हैं, MS स्वामीनाथन, आपने नाम सुना होगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, बोर्लो की तरह इन्होंने इंडियन जो क्लाइमेट वहाँ पर काम किया। देन उसके बाद में पुष्करनाथ है, फेमस पोर्ट्रेट ऑफ ब्रीडर है जिन्होंने बहुत सारी हाइल्ड वेराइटीज़ का डेवलपमेंट किया। देन NGPO राव, ये कुछ से इंडियन साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग पे काम किया। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्लांट ब्रीडिंग है। और इसके बाद में हम इससे संबंधित जो मैकेनिक्स हैं या इससे संबंधित जो थ्योरीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।